Hello student, welcome back to our science videos. In this video we start a new chapter, chapter number 2, precious soil. What is mean by precious? Precious matlab kimti, right? Okay, in this video we will discuss some points. First, soil is formed in nature. It means how soil is formed in nature, ki soil jo hai wo nature mein kaise banti hai. Identify what does soil contain और soil के अंदर कौन कौन से parts होते हैं, वो कौन कौन से contain होते हैं, उनको हम identify करेंगे. Classify different types of soils और soils के जो अलग अलग types होते हैं उनको हम पढ़ेंगे. And last, explain how different type of soil are helpful for the crops और crops के लिए soil जो है वो कैसे helpful है या useful है उसके बारे में हम discuss करेंगे. सो कम टू द वार्म अप, अनस्क्रैम्बल द वर्ड. कुछ वर्ड दिए हैं आपको, उनको आपको अनस्क्रैम्बल करना है, बहुत ईजी है. फर्स्ट है वाटर, सेकेंड है सॉइल, थर्ड है क्लाउड, फोर्थ है रॉक, फिफ्थ है क्ले और सिक्स है सैंड. ठीक है, बहुत ईजी है, आप लोग एक बार खुद से भी करोगे तो आपसे हो जाएगा. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि सॉइल जो है वो कैसे फॉर्म होती है. तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज प्रेजेंट. इट हैज मेन many different places as deserts, hills, seas, river and plains, many type of plant and animal present here. Okay, ये तो हम सब जानते ही हैं कि अर्थ जो है वो एक ऐसा मात्र प्लैनेट है जहाँ पर जो है वो लाइफ की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर लोग जीवित रह सकते हैं. सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस भी हैं, जैसे कि कहीं पर डेजर्ट भी हैं, मतलब रेगिस्तान है, कहीं पर हिल्स हैं, पहाड़ों वाला क्षेत्र भी है, तो कहीं पर समुद्र है, कहीं पर रिवर्स हैं, तो कहीं पर सिर्फ प्लेन एरिया है. सो मैनी टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट हियर. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स भी आपको देखने मिल जाएंगे. प्राइमरली वैन वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ, ओनली रॉक वेयर प्रेजेंट ऑन इट. अगर हम बात करते हैं बहुत सदियों पहले शुरुआत में, जब यहाँ पर लिविंग बींग नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पर सिर्फ अर्थ के ऊपर सिर्फ रॉक्स प्रेजेंट हुआ करती थी. These rocks were then heated up by the sun and the rain cooled them down. तो क्या होता था फिर, जो सन है इन रॉक को अपनी हीट से गर्म करता था और फिर बाद में जो रेन वाटर हैं वो इनको वापस इनको कूल डाउन कर देता था. सो विंड ऑल्सो ओवर देम, तब हवा भी थी. तो दिस कंटिन्यूस प्रोसेस ब्रॉक द रॉक इन टू स्मॉलर पीसेस. तो क्या हुआ फिर कि इन रॉक को सन जो है इन रॉक को गर्म करता है हीट दे करके, और फिर जो रेनफॉल है बारिश जो है वो इनको वापस ठंडा कर देती है, और फिर विंड जो है हवा जो है वो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है. तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस चलती रही है काफ़ी सालों तक या काफ़ी सदियों तक. देन फिर जो क्या हुआ, जो रॉक्स हैं उन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती गई, और एंड देन विंड देन डिस्प्लेस दिस रॉक्स. फिर जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटता गया, टूटता गया, तो फिर जो हवा है वो उनको उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चली गई. सो द स्मॉलर रॉक अगेंस्ट रब्स अगेंस्ट ईच अदर एंड फ्रॉम टीनी पार्टिकल्स दिस पार्टिकल देम फ्रॉम द सॉइल. तो जो छोटे रॉक्स हैं, स्मॉल रॉक्स हैं, वो ऐसे रब होती गई, घिसती गई, एंड देन फिर उनमें से फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनने लगे, और उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं. तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, लंबी चलने वाली प्रोसेस है. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों पर से जो नदियां हैं वो निकलना शुरू करती है, तो वहाँ की जो मिट्टी है उन नदी के पानी के थ्रू बहती आती है. तो सबसे पहले वो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, देन फिर वो गिरते टकराते रब होते फिर वो सी वाटर तक आती है, और वहाँ तक आते आते वो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉइल. ओके, व्हाट डज सॉइल कंटेन. अब अगर हम बात करें कि सॉइल जो है उसमें क्या होता है, तो एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको समझाना चाहूँगा. इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ी सी सॉइल लीजिए किसी भी कंटेनर के अंदर, पॉसिबल हो तो एक ग्लास के कंटेनर है उसके अंदर सॉइल लीजिए, और फिर उस कंटेनर को आप उसमें आप पानी डाल दीजिए. जब आप पानी डालोगे तो फिर आपको दिखेगा कि उस सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ है, जैसे वो अलग अलग हो जाएगी. क्या ठीक, जो भारी पार्टिकल्स हैं जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं या कंकड़ है वो नीचे दब जाएंगे, और देन फिर सैंड जो है उसके ऊपर आ जाएगी, और लास्ट में जो मडी पार्ट होता है, क्ले पार्ट होता है, वो ऊपर आ जाएगा. उसके बाद में लास्ट में जो ह्यूमस जो है वो, जैसे उसके अंदर जो घास फूस होती है या
कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो जो आकर के उसके ऊपर तैरने लगेंगे वाटर के ऊपर, तब फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सॉइल के अंदर है वो ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। जैसे सॉइल कंटेंट मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज ए ह्यूमस क्ले सैंड एंड ग्रेवल। तो सॉइल जो है उसके अंदर कई प्रकार की थिंग्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ह्यूमस हैं, क्ले है, सैंड है एंड ग्रेवल है। अभी ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस इज द प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ सॉइल, इट इज फॉर्म बाय द रिमेन ऑफ लीव्स एंड ग्रास। ह्यूमस इज हाईली रिच इन मिनरल्स, माइक्रोब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है। टॉप सॉइल मतलब सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की, उसकी बात कर रहे हैं हम। और ये किस चीज़ से बनता है ह्यूमस, तो ह्यूमस इज फॉर्म बाय द रिमेन ऑफ लीव्स एंड ग्रास। तो जो ग्रास और लीव्स हैं जो सूख जाती है या सड़ करके गल जाती है, उन चीज़ों से ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है सॉइल के लिए, क्योंकि उसमें कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही साथ उसमें कई प्रकार के छोटे मोटे माइक्रोब्स भी होते हैं जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ह्यूमस हैं वो भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। साथ ही साथ बात करेंगे हम क्ले, तो क्ले जो होता है अ थिक एंड हैवी सॉइल दैट इज सॉफ्ट वेन वेट एंड हार्ड वेन ड्राई इज कॉल्ड क्ले। ऐसी सॉइल जब हम जब उसमें पानी डालेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, और जब वो सूख जाएगी, जब उसमें पानी नहीं रहेगा तो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं उस पार्ट को सॉइल के क्ले। क्ले से हम लोग कई प्रकार की चीज़ें भी बनाते हैं, आप लोगों ने देखा हो तो। ग्रेवल की बात करें तो छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर होते हैं, जैसे स्मॉल स्टोन प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ सॉइल आर कॉल्ड ग्रेवल। तो जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो लोअर लेयर में प्रेजेंट होते हैं सॉइल की, उसको हम बोलते हैं ग्रेवल। तो दिख रहा है आपको इस बॉटल के अंदर कि जब आपने कोई मिट्टी डाली तो वो सारे जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि सबसे नीचे भारी पार्ट्स हैं जो ग्रेवल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, फिर देन सैंड, फिर देन क्ले, और फिर लास्ट में ऊपर जो है वो ह्यूमस आ जाएगा, क्योंकि वो सबसे हल्का होता है। एक्टिविटी नंबर वन, एक्टिविटी की बात करते हैं हम, तो सॉइल कंटेन वाटर। इस एक्टिविटी में हम लोग समझेंगे कि सॉइल के अंदर वाटर होता है वो कैसे प्रूव होगा, ठीक है। तो स्टेप वन क्या करना है आपको, टेक सम सॉइल इन अ कंटेनर, कवर द कंटेनर विद द लिड। आपको एक सॉइल लेनी है, किसी कंटेनर में डाल दीजिए उसको, फिर बाद में आप उसको कंटेनर को ढक दीजिए। स्टेप टू में क्या करना है, हीट द कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। फिर आपको क्या करना है, उस जिस कंटेनर में आपने सॉइल ली है उस कंटेनर को आप लोग गर्म कीजिए, उसको हीट दीजिए। तो कंक्लूजन फिर क्या होगा, आफ्टर ओपनिंग द लीड यू विल सी सम टीनी ड्रॉपलेट प्रेजेंट ऑन द लीड विच शो दैट सॉइल कंटेन वाटर। गेट इट। अब जैसे कि आपने समझा, आपने कहीं से रेत ली, ठीक है, सॉइल ली और आपने उस कंटेनर के अंदर डाल दी। अब क्या होगा, जब आप उस कंटेनर को ढक दोगे और उसको हीट करोगे, गर्माहट मिलेगी उसको, तो फिर जब थोड़ी देर बाद में आप उसके ढक्कन को हटाओगे तो उस ढक्कन के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जम जाएगी, और वो ड्रॉपलेट क्या शो कर रही है कि इस सॉइल के अंदर क्या था, वाटर था, ठीक है। तो जब आप ये एक्टिविटी करोगे, ट्राई कर सकते हैं आप घर पर अपने बड़ों की हेल्प ले करके, तो आप लोग करिए, तो आपको पता लगेगा कि जो सॉइल जो है वो कैसे वाटर को कंटेन करती है। गेट इट। तो आई होप आप लोग एक्टिविटी करोगे, आप कर पाओगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जो सॉइल के अंदर जो है वो वाटर होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे कि सॉइल जो है वो कैसे बनती है और सॉइल के अंदर कौन कौन से मटेरियल जो है वो इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में अगर कोई ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा वर्ड है जिसमें आपको डाउट है, तो आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जाकर के कमेंट में उसको बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे आपको क्लियर कर दूंगा। गेट इट। आई होप यू एंजॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।